सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम दो तीन लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, इनकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत अरसा रही और हुकूमत के कई, जब हुकूमत में पीपल्स पार्टी रही तो कई अहम ओहदों पर वो फाइज थे और फेडरल मिनिस्टर रहे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे, लेकिन अभी हालिया उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर पीएमएलएन को ज्वाइन किया है और पीएमएलएन के तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं साबिक वफाकी वज़ीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मखदूम फैसल सोलेयात, एक बड़ा नाम। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया। अच्छा सर, मैं बात वही एक पहला सवाल ज़रूर करूंगा ताकि ये जो हमारा चैनल है इसके जो व्यूअर हैं उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो। पहला सवाल ये है कि सर, आपकी एक तवील रफाकत रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और कई मौके पे आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीता। अभी मैं देख रहा था 2018 का इलेक्शन मेरे सामने पड़ा है, मैं उस पर सवाल करूँगा। उसके बाद क्या ऐसा हो गया सर कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए बिलावल साहब ने एंट्री दे दी है। जी क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं इसका जवाब देने से पहले आपको मैं इस नए नेटवर्क पे आने पे मुबारकबाद भी दूंगा। शुक्रिया, और मेरी तमाम गुड विशेज़ आपके साथ हैं। आप एक हमारे एक बड़े नामवर और एक बड़े प्रोफेशनली हाईली एक जिनको कदर के नगाह से देखा जाता है, हमारे एंकर हैं। क्योंकि टाइम आपके पास ये लिमिटेड होता है तो मैं इसको मुख्तसरन जवाब देना चाहूँगा। हमारे जो हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल सियासत है, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, उन हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स है। पाकिस्तान में इस वक्त 266 कौमी असम्बली के हलके हैं जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ भी जो मेरा जो ज़िला है, मेरे जो इलाका है, हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें भी यही पोजीशन है। और मैंने यहाँ पे हमेशा एक बात को मद्देनज़र रखा है, क्योंकि हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, हमने वोट जाके आवाम से लेना है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है, उनकी जो आरा है, उनकी जो मंशा है और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनको मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो जिसको कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स एट दैट पॉइंट, वो वहीं उसी इलेक्टोरल अखाड़े में जाके ख़त्म होते हैं। मैंने 2017 में पीपल्स पार्टी दोबारा ज्वाइन की थी, मेरी फैमिली ने, और असद उजारी साहब और बिलावल वहाँ पे आए थे, हमारे घर आए थे वहाँ पे जंग में, शाहजुना में। और उसके बाद मैंने अपने आप को तकरीबन 6.5-7 साल के करीब मैंने पीपल्स पार्टी में मैं रहा हूँ। 2018 के इलेक्शन जो है उसकी आपने बात की, तो अब देखें ना, हमारे यहाँ एक और भी ये अलमिया है कि जो बातें हो जाती हैं, जो ज़्यादतियाँ कर दी जाती हैं, उसको हम वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं। हमारे यहाँ वो पुराना मकबूल है जी, लेट्स मूव ऑन। अब उनको जो ज़्यादतियाँ हो गई हैं, जो नासाफ़ियाँ हुई हैं पहले इलेक्शंस में, अगर उनको आपने मूव ऑन ही करना है तो फिर हमारा ये अलमिया रहा है सियासत का भी और बाकी सिस्टम का भी, हम मूव ऑन ही करते रहे हैं। मैंने उस वक्त भी 1,06,000 वोट, मेरे 1,20,000 वोट था, मैंने 1,06,000 वोट मेरा काट कर दिया गया और 300-400 वोटों से मुझे हरवा दिया गया। मैंने वो जो वोट थे, मैंने वो पीपल्स पार्टी को उसके जो ओवरऑल काउंट था उसमें मैंने वो डाले। बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं डॉक्टर साहब, आपके मैं कई प्रोग्रामों में ये पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ पार्टियों का वोट होता है, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे
ذاتی گروپنگز کا ووٹ ہوتا ہے. میرا جو علاقہ ہے اور میرا جو ضلع ہے اس میں پارٹیز کا ووٹ بڑا مارجنل سا ہے اور یہ بہت دفعہ پروو بھی ہو چکا ہے, اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں. وہاں پہ 2018 میں بھی مجھے میرے حلقے کے عوام نے کہا جی کہ آپ یہ دوسرا فیصلہ کیجئے, آپ الیکشن یہاں سے لڑے. بٹ میں نے کہا جی میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, میں نے خود اپنی کی ہوئی ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت کی, ٹھیک. تو میں نے وہ نہیں چھوڑی پارٹی اس وقت, میں اسی پارٹی سے میں نے کنڈس کیا اور مجھے اس کا ایک بہت بڑا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک. میں نے بھگت لیا. اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا ہے تو ڈاکٹر صاحب ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن میں اپنے آپ کو پارٹی میں انفٹ سمجھنے لگا. اچھا. کیونکہ اس طرح کہ میں چاہتا تھا کہ پارٹی چلے, ہم دیکھیں ہم پنجاب میں رہتے ہیں, میں اگر سندھ میں رہتا تو ہو سکتا ہے میری صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے, میں پنجاب میں رہتا ہوں. ہم نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے, اپنے ضلعوں میں آ کے کرنا ہے, تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے وہ قبل رش نہیں رہی. میں آپ کے ماضی کے پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ میں ابھی بھی اپنی پیپلز پارٹی کی اس قیادت کا ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں. آپ نے اس لیے چھوڑ دی کہ اس وقت کام نہیں کیا, آپ نے, ہاں آپ نے اس لیے چھوڑ دی کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جو ہے اس نے کام نہیں کیا, اس نے سندھ تک محدود رکھا اپنے آپ کو, اور ظاہر ہے آپ کے حلقے کے لوگوں نے آپ پر ایک دباؤ ڈالا کہ آپ پی ایم ایل این جوائن کریں, یہی بات ہے سر؟ اصل وجہ ہے کہ حلقے کی عوام نے میرے پہ پرزور طریقے سے, ان کا میرے پہ پریشر تھا کہ آپ پی ایم ایل این جوائن کریں, اور بہت عرصے سے تھا, یہ ابھی 3-4 مہینے نہیں, پچھلے سال 1.5 سال سے تھا میرے اوپر. اور میں نے کوشش کی کسی طریقے سے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسیاں اس طرح یہاں پہ اپنا بن جائیں یا ان کی ایکٹیویٹی اس طرح ہو جائے, لیکن نہیں, یا ان کی اسٹریٹجی اس طرح بن جائے کہ پنجاب میں کچھ وہ کر پائیں, لیکن وہ میں نے دیکھا. ارے سر, پی ایم ایل این, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, آپ کو اپروچ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اہم لیڈرشپ نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جی. اچھا سر, ایک سوال جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا. اب یہ میں دیکھ رہا تھا این اے 114 کا الیکشن میرے سامنے پڑا ہوا ہے, مخدوم سید فیصل صالحات کا ووٹ ہے 1,05,454. وہ ابھی میں اس کو جو ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں, حالانکہ آپ نے کہا کہ 120 کے قریب تھا, 1,20,000. جو آپ سے ونر ہیں وہ ہیں صاحبزادہ محمد محمود سلطان, 1,06,043 ووٹ, کوئی زیادہ کا فرق نہیں ہے سر. لیکن سر میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہے, تیسرے ہے, ٹی ایل پی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, ایم ایم اے ہے, ایم پی این ڈی ہے, پی ایم ایل این کہیں نظر نہیں آ رہی آپ کے اس حلقے میں. تو آپ نے اگر تبدیل کیا تھا, پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا, تو آپ کے پاس تو بہت بڑا آپشن تھا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیتے, جس میں آپ کے ہی برابر تقریباً ووٹ ہے, 1,06,000 کے قریب ووٹ ہے. پی ایم ایل این تو اس جگہ پر بہت کمزور نظر آ رہی ہے, تو آپ نے پی ایم ایل این جوائن کر کے پی ایم ایل این کو مضبوط کیا. پی ایم ایل این تو آپ کو یہاں کوئی ووٹ نہیں دے رہی ہے, جو اس وقت الیکٹورل جو میرے پاس جو فگرز پڑے ہوئے ہیں. جی کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, اس ان فگرز میں آپ ایک اور بھی پڑھیے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے ریجیکٹڈ ووٹس, وہ بھی آپ کو 13-14,000 وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو یہاں پہ, باقیوں کے علاوہ جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. تو وہ ملا کے میں نے اپنا وہ جو 1,19,20,000 کی بات کی نا, اس حوالے سے بات کی ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کے ووٹ بینک کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے حلقوں میں پارٹیز کا ووٹ نہیں ہے. ہمارے صرف میرے حلقے میں نہیں, اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ پارٹیز کا ووٹ بہت, اگر ہے بھی تو بہت کم ہے, مارجنل ووٹ ہے یہاں پہ. اور آپ ماضی کے حلقوں الیکشن میں چلے جائیں, 2008 میں چلے جائیں, 2013 میں, وہاں بھی آپ دیکھ لیں پارٹیوں کے ووٹ جو تھے وہ کس قسم کے تھے. ذاتی گروپنگس کے ووٹ ہیں, ذاتی یہاں پہ جو ہمارے جو پولیٹیکل ہمارے جو اینٹیٹیز ہماری بنی ہوئی ان کے وہاں پہ یہاں پہ زیادہ ووٹس ہیں. تو یقیناً اس میں مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا جو بیسک فیکٹر تھا, جو کہ میرے حلقے کے عوام نے جس پہ مجھے انہوں نے انکریج کیا اور پریشرائز بھی کیا مجھے, وہ یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بننی ہے. اب وہ الیکشن سے میں پچھلے دونوں الیکشن جو ہیں میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور ہمارے حلقے کے عوام نے
मेरे सपोर्टर्स ने मेरे हल्के वन बहुत सफ़र किया है पिछले 10 साल। अब मैं कितना उनका और इम्तिहान लूँ, उनके वहाँ काम है। हमारे हल्के की जॉब जब देखें ना सियासत आके डॉक्टर साहब, तो थोड़ा सा मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रा कमरों से बाहर निकल के आप देखें तो ये टोटली डिफरेंट सियासत है। मुझे कई दफ़ा प्रोग्राम देखता हूँ तो मुझे उस पर ज़रा हंसी भी आती है कि वो टोटली रियलिटी से कट ऑफ होते हैं। हमारे इलाके के जो सूरत हाल होती है, सर मैं अपने हल्के की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे और भी रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ जो हमारे पंजाब में हैं, कि उनके टोटली डिफरेंट डायनेमिक्स हैं, टोटली डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लोगों की ज़रूरियात, लोगों की ख्वाहिशात, लोगों का रहन सहन, लोगों का उठना बैठना वो टोटली डिफरेंट है। जिस तरह हम आमतौर पर हम कोशिश ये की जाती है कि हम प्रोग्राम में पोर्ट्रे करें, तो हमने उसके साथ चलना है जी, मैंने उसके साथ चलना है। अगर मैंने उसके साथ हम ना रह सकूँ तो फिर मैं मिसफिट हो जाऊँगा वहाँ पर। तो इस लिहाज से मेरे लिए ये इनकम्बेंट था कि जी मैं हल्के की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलूं, उनकी मंशा को मैं मुकदम समझूं और मैं समझता भी हूं उनको। ठीक है सर। अच्छा ये मुझे बताएं, आपने बिल्कुल जो जाहिर है इलेक्टेबल्स की एक अपनी हैसियत है, कई जगहों पर जो है वो वोट जो है वो इलेक्टेबल्स के बाद हैं और उसका एक तरीक़ेकार भी है। बार ये सवाल बनता था, मैंने पूछा, एक और सवाल इसके लिहाज से बनता है। सर मैं ये देख रहा हूँ कि PMLN जो है वो पावर पॉलिटिक्स खेल रही है, नज़र आ रहा है कि एक तरफ वो इलेक्टेबल्स को ले रही है पार्लियामेंट में अपनी तादाद बढ़ाने को, आप जैसे उनके कैंडिडेट बन गए हैं जो यकीनी जीत होती है आपकी, क्योंकि PMLN का तो वहाँ इस वक्त वोट इतना है नहीं, ज़ाहिर है आप ही का वोट है और आप आज़ाद भी यहाँ से जीते हैं, तो PMLN को तो आपकी हैसियत में एक सीट मिल रही है बहुत बड़ी पार्लियामेंट की। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि PMLN मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स को ले रही है, सीट एडजस्टमेंट कर रही है IPPs के साथ, यानी जो इस्तेहकाम पार्टी है PMLQ के साथ। तो सर अगर इस तरीके से PMLN हुकूमत बनाएगी तो ये हुकूमत, क्या आप समझते हैं सर कि ये हुकूमत मजबूत होगी, चल सकेगी, जिसमें मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स को लेकर और मुख्तलिफ सियासी जमातों को लेकर हुकूमत बनाए? माजी में हमने देखा कि फिर इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती हैं हुकूमत, और हमने 16 महीने में भी यही देखा। जी सर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आपका बड़ा अहम सवाल है। जहाँ तक आपका ये सवाल है ना पावर पॉलिटिक्स का जी, तो जो भी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, वो तमाम की तमाम आज से नहीं बल्कि पिछले कई दहाइयों से वो पावर पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं उसमें, और होना भी चाहिए। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एम है, ये उसकी एम्बिशन है और उनकी मंशा है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाकर पावर में लेके आए। तो इसलिए ये हमारे जो पावर पॉलिटिक्स के जो हमारे मुख्तलिफ जावी हैं उनको लामवाला हर पार्टी जो होती है उसकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि वो उन एंगल्स को पूरी तरह वो अपने हक में करने की कोशिश करें। आप पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, सिंध में वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है और उनकी मेजॉरिटी पार्टी सिंध में है, वहाँ भी उन्होंने जो इलेक्टेबल लिए हैं जो GDA में पहले थे या MQM में थे जो पहले थे, तो ये एक नेचुरल सी बात है। ये बात आप बाकी सूबों में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, जो इलेक्टेबल्स लिए गए हैं पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, PMLN ने लिए हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है सियासत का। और हमारी जैसी जो डेमोक्रेसी है ना जी, जिनको मैं फुल फ्लेज डेमोक्रेसी तो कभी भी नहीं कहता, बट आप कह लें कि इसको एक क्वासी डेमोक्रेसी कह लें आप, हमारे यहाँ ये सिलसिला जो है ये चलते रहते हैं और पिछले बहुत अरसे चलते रहते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि हुकूमतें कैसे चलेंगी, कमज़ोर होंगी, कैसे होंगी, तो आप 2002 से आप देख लीजिए, मैं उससे पीछे भी जा सकता हूँ, लेकिन 2002 के बाद आप देख लें जो हुकूमतें बनी हैं सारी की सारी कोलिशन हुकूमतें बनी हैं और वो चलती रही हैं, और उन ये असेंबलियों सब ने अपना 5-5 साल का टेन्योर पूरा किया है। 2008 में आप देख लीजिए, 2013 में, फिर 18 में, तो ये तो एक जो अगली हुकूमत बनने वाली है वो भी मुझे उसी तर्ज की हुकूमत ही मुझे नज़र आ रही है जिस तरह के पिछले 4-5 इलेक्शनों के बाद हुकूमतें बनी हैं और उन्होंने अपना टेन्योर भी पूरा किया है, मां सिवाय पिछले हुकूमत जो PTI की हुकूमत थी उसने टेन्योर पूरा नहीं किया, तो ये आइंदा भी सिलसिला मुझे चलता हुआ ऐसे ही नज़र आ रहा है।
ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि इलेक्शन में आप उतरेंगे और पीएमएलएन उतरेगी, तो आप क्या समझते हैं कि इसका मुकाबला कह लें या इनकी इनका इलेक्शन में जो मुकाबला है वो बल्ले से होगा सही मायनों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा जो दोबारा अपने आप को इमर्ज कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि यहाँ पर 16 महीने की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी है उससे भी मुकाबला होगा, और जो इस वक्त मरती हुई आवाम है, सिसकती हुई आवाम है, गुर्बत बेरोज़गारी और आपके महंगाई से, उससे भी मुकाबला होगा, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, आपके सवाल के दो मुख्तलिफ ज़ावी हैं। मैं पहले एक की बात करूँगा कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो इन तमाम अनासिर पे वो मुहित होगी, उस पर वो डिपेंड करेगी, जो जिनका आपने ज़िक्र किया, पास परफॉर्मेंस, महंगाई, जो हमारे और इश्यूज़ हैं, हमारे बिजली के हवाले से हैं, एनर्जी के हवाले से हैं, हमारे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है, ये सारे के सारे जो हैं, इस सारे का सारा जो है ये हमारी जो कैंपेन में है जो चलेगी उस पर ये इश्यूज़ जो हैं ये उठाए जाएंगे, और कुछ ना कुछ उनका वोटरों पे जो है असर होगा। डिपेंड करेगा कि वोटर टोटल अर्बन एरियाज़ में है या सेमी अर्बन एरियाज़ में है या रूरल एरियाज़ में है। अब अगला जो उसका सवाल है वो आपको मैं उसका जवाब इस तरह दूंगा, क्योंकि मैं 9 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, उसके बेसिस पे जो मेरा तजर्बा है उसके हवाले से बात करूँगा कि मेरे मुताबिक इलेक्शन जो हैं 50% वो है कि आपकी जो कैंपेन होती है उस पर वो डिपेंड करते हैं। 50% इलेक्शन जो आपका है वो डिपेंड करते हैं आपके पोलिंग डे पे आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं, और ये मैंने भी देखा, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया 9 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और मैनेज इलेक्शन वाले दिन उसको मैनेज करना, आपने वोटर को मोटिवेट करके निकाल के अपने घर से अपने पोलिंग स्टेशन में लेके आना है, उसके लिए एक बड़ी आपको एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए आपको। फिर आपने वहाँ पे इंश्योर करना है कि आपका जो वोटर है वो वहाँ पे आपको वोट कास्ट करने के काबिल है, वो वोट कास्ट कर रहा है, और फिर यहाँ पे आपकी ये बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जब काउंटिंग होती है, गिनती होती है, तो आपने इंश्योर करना है कि जो गिनती है वो बिल्कुल मुरवजा असूलों के तहत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से, जिससे कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो किसी किस्म के भी उनको कोई अपना ठेस ना पहुँचे, इंश्योर आप ये करें। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बड़ी सम अप करके बताई है। तो 50% जो इलेक्शन आपका है वो होता है पोलिंग डे वाले दिन, कि आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं, अपने वोटर को किस तरह लेके आते हैं और वोट उसमें कास्ट करवाते हैं। अब ये इलेक्शन भी जो है उसी किस्म का मुझे नज़र आ रहा है, साफ ज़ाहिर है कि मुकाबला जो पंजाब में आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये होगा कि पंजाब में मेरे नज़दीक मुकाबला पीएमएलएन का होगा पीटीआई के साथ। अगर पीटीआई के पास मजबूत उम्मीदवार हुए, जो कभी तक मुझे नज़र नहीं आता हल्कों में, 141 कॉन्स्टिट्यूएंसी कौमी असम्बली की हैं, 297 सूबाई की हैं, मुझे 10-15% से ज़्यादा मुझे उनके मजबूत उम्मीदवार नहीं होते, और ये एक हमारी एक एकेडमिक डिस्कशन बन जाती है कि खंबे को आप वोट देते हैं, अब वो ज़माने नहीं रहे, ये बातें करने के हवाले से तो बातें चलती हैं, लेकिन रियलिटी और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ठीक, वो जो पीटीआई के पास जो इलेक्टेबल जिनको आप कहते हैं, अदर वर्ड्स जो उनके पास मजबूत उम्मीदवार हैं, वो इस काबिल होंगे होते हैं कि वो अपने अपने वोटर को इलेक्शन वाले दिन निकाल के ला सकें और वो जो पूरी एक्सरसाइज जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है वो पूरी कर सकें। अगर ऐसे वहाँ पे कैंडिडेट हुए जो कि ये करने के काबिल ना हुए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा कोई मेजर फ़र्क मुझे उसमें इलेक्शन नज़र आता है। मेरे नज़दीक पीएमएलएन जो है वो इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में है सियासी तौर पे जी। तो ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक सवाल और भी उठ रहा है कि सर आप देखें ना, अगर पीएमएलएन कंफर्टेबल पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, आज गैलप सर्वे में भी आया है कि पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलरिटी बढ़ी है और इमरान खान की थोड़ी सी कम हुई है, कोई सर्वे मानता है नहीं मानता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर पीएमएलएन इतनी ही मजबूत है और उसके पास कैंडिडेट हैं, तो फिर सर ये सीट एडजस्टमेंट जो कर रही है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से और पीएमएलक्यू से, तो ये तो इसकी कमज़ोरी जाहिर हो रही है ना सर, कि आप अपनी जीती हुई सीट मजबूत पंजाब में, चलें
सिंध में हो जाए, कहीं और हो जाए, समझ में आता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये गलती नहीं कर रही है पीएमएलएन की, अपनी अहम तरीन सीट वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी को दे रही है, वहाँ अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही है जहाँ से वो जीत सकती है? सर डॉक्टर साहब, आप अगर फिगर देखिए ना, जो मेरे सामने फिगर है, तो इस्तेहकाम जो पार्टी उसके पास चार हालत सीटें हैं कौमी असम्बली की, जो उनको सीट एडजस्टमेंट में उनको मिली हुई हैं, और पीएमएलक्यू के पास गालबन दो सीटें हैं कौमी असम्बली की। तो अगर आप 141 में से ये 6-7 सीटें निकाल लें तो ये तो हार्डली 5% भी नहीं बनता टोटल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो 5% जो सीट एडजस्टमेंट, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतनी बड़ी कोई बिग डील है कि आप जिसको हम कहें जी कि ये बहुत बड़ी सीट एडजस्टमेंट है। और उससे हटकर मेरे नज़दीक ये होना भी चाहिए। देखिए, मैं फिर आज करूँगा कि हमें इलेक्शन जो लड़ना है वो हमारे जो इत्तेहादी आपके साथ हैं, जो आपके साथ आपकी जो एक प्रोग्राम है, आपकी जो पूरा जो आने वाली आपका जो एक सिलसिला है, आपके जो विज़न है उसको शेयर करते हैं, आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपके पॉलिटिकल साथी बनकर चलने को तैयार हैं, अगर वो उनको चंद सीटें जिस तरह मैंने कहा 4-5% उनको दे दी जाएँ तो कोई मज़ाक इसमें नहीं मुझे नज़र आता। जी फैसल साहब, यहाँ आपको रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ये बताएं सर कि कुछ लोग कौमी हुकूमत बनाने की भी बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद, और ये स्टेटमेंट कई जगह से पीएमएलएन से भी सुनी गई, उनकी लीडरशिप से भी सुनी गई कि मुफाहमत की जाएगी, सबको लेके चला जाएगा, पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को हुकूमत में शामिल किया जाएगा, तो जिसमें JUI है, दूसरी जमातें हैं। तो फिर सर मुझे ये बताइए कि क्या ये इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत जो कौमी हुकूमत हो वो बेहतर होगी मुल्क के लिए, या एक कम अज़ कम 2/3 तो चले नहीं, कम अज़ कम सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक जमात आए वो बेहतर होगी? सर डॉक्टर साहब, आइडियल सिचुएशन तो ऑब्वियसली होती है ये कि जो जमात भी हुकूमत में हो उसको सिंपल मेजॉरिटी उसके पास हो, उसको हासिल हो, ताकि वो अपने लेफ़्ट राइट देखने की बजाय सीधा फोकस करे उन इश्यूज़ पे जो कि मुल्क को दरपेश हैं, ख़ास तौर पे सबसे बड़ा इशू हमारा इकोनॉमिक इशू है। और ये तो है एक बड़ी क्लियर बात, लेकिन अगर किसी पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती और वो एक समझे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, तो फिर एक ये सियासत की और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ये ज़रूरियात हैं कि वो फिर मिलकर एक हुकूमत बनाए। मैं उसको कौमी हुकूमत तो नहीं कहूँगा, आप उसको कोलिशन गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक, कोलिशन गवर्नमेंट बने उन तमाम पार्टीज़ के साथ जो कि उसके साथ हम आंगी के साथ आगे चलने को तैयार हैं। आप खुद देखिए, पिछले 18 महीने में 11 जमातों की हुकूमत रही है जिसमें मेजर पार्टी जो थी वो थी PMLN और पीपल्स पार्टी, JUI ये और कुछ बलोचिस्तान की जमातें थी। तो चली 18 महीने हुकूमत चली, वो मुझसे अगर आप पूछिएगा तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में PMLN जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ज़रूर ज़रूर बनेगी, वो बन के उभरेगी। बिकॉज पंजाब में सीटें हैं, मेजर प्रोविंस है, सीटें उसमें। चलिए, मैं यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता हूँ कि जी इलेक्शन के बाद PMLN सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक बड़ी जमात बनकर उभरेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए किसे वज़ीर आज़म देख रहे हैं? सर शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं आप? देखें, PMLN की तरफ से तो उन्होंने वाज़ह ऐलान किया हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके। वो शहबाज शरीफ साहब भी ये बार बार ये इंदिया दे चुके हैं, और PMLN की तरफ से भी ये वाज़ह तौर पर सामने बात आ गई है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मसलन आप भी समझते हैं कि सर इस मौके पे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का माजी में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अक्सर लड़ाई हुई है और हुकूमत हमेशा गई है, और शहबाज शरीफ साहब 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत
मजबूत रहे हैं और अभी 16 महीने में भी बहुत मजबूत हुकूमत चली मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सर क्या ये बेहतर है पीएमएलएन के लिए, क्योंकि पीएमएलएन के कुछ लीडरशिप का ये ख्याल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मैं उनका नाम नहीं मेंशन कर रहा, उनका ये ख्याल है कि अब हम मजीद जेल जाने की पोजीशन पे नहीं है, बेहतर है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हों और मियां नवाज शरीफ साहब बैक पे जो है ना पार्टी चलाएँ पूरी पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से। जी इस पर थोड़ा सा कमेंट्स करें, मैं आगे चलता हूँ। डॉक्टर साहब मैं तो अभी नया नया आपको पता है पीएमएलएन में आया हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा तो उनकी उन पॉलिसीज़ और उनकी उस सोच के बारे में तो शायद आपको मैं जवाब ना दे सकूँ, लेकिन जितना कुछ मैं जानता हूँ मेरे नज़दीक मियां नवाज शरीफ ने काफ़ी कुछ उन्होंने देखा है और यकीनन उन्होंने काफ़ी सफ़र भी किया है और दीगर सियासतदानों ने भी बहुत सफ़र किया है, तो आई एम श्योर वो अब इस दफ़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, देखिए फैसला उनका अपने घर का जी, अगर शहबाज शरीफ साहब बनते हैं वो फैसला भी मियां नवाज शरीफ साहब का होना है, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मुझे नज़र ये आता है कि वो जो पिछले जो उनके मुतलिक जो चीज़ें जिस तरह कही जाती हैं या उनके मुतलिक वो है एक इम्प्रेशन है परसेप्शन है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कई दफ़ा वो रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा शायद मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा। क्योंकि अब वो काफ़ी सारा समझदार हो गए, काफ़ी समझदार हो गए, ठीक है, काफ़ी समझदार, काफ़ी समझदार। अच्छा सर एक और राय भी है, ये भी पीएमएलएन की राय है, मैं अंदर से दे रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ कि कुछ का ख्याल ये है कि इनिशियली प्राइम मिनिस्टर तो बनेंगे मियां नवाज शरीफ, लेकिन कुछ अरसे रहने के बाद वो चले जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब एक फुल फ्लैश वज़ीर आज़म के तौर पर आएंगे, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये आप इसके बारे में न्यूज़ है या नहीं, मैं ये पूछूंगा कि क्या ये अगर तरीक़ेकार रहेगा, आप एक बड़े सियासतदान हैं हुकूमत में भी रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब रहेगा कि एक टेन्योर में एक वज़ीर आज़म आए उसे हटा कर फिर दूसरे भाई वज़ीर आज़म आए जो ज़्यादा अरसा चले, बस इतने इस पर थोड़ा सा कमेंट्स। डॉक्टर साहब मुझसे अगर आप पूछें ना मेरी जो ज़ाती राय है, मेरे देखें मेरे पीएमएलएन में बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत अरसे से मेरे दोस्त हैं, उनके साथ ताल्लुक उनके साथ रहे हैं, क्योंकि सियासत में आपके ताल्लुक तो हर एक से होते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे जो एक फ्लेवर या मुझे जो एक एक जो मुझे मुझे जो एक वो खाका नज़र आता है, प्राइम मिनिस्टर तो वो होंगे जी जो मियां नवाज शरीफ साहब चाहेंगे वो ख़ुद बने या वो अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को बना दें या ख़ुद वो चंद माह के लिए बने या जितने अरसे के लिए बन के फिर उनको ले आए वहाँ पे। बात यह है कि पीएमएलएन जो है वो मुकम्मल तौर पे वो है मियां नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूमती है जमात। वो जब आप उसका वोट बैंक की बात करते हैं ख़ासतौर पर, हर पार्टी का वोट बैंक होता है और वो वोट बैंक जो है वो किसी न किसी कि इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, जिस तरह आप पीटीआई जो है वो इमरान खान की इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो के नाम के आसपास इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तो पीएमएलएन जो है उसका जो वोट बैंक है वो मियां नवाज शरीफ साहब के गिर्द रिवॉल्व करता है, इसलिए वो मेजर जो हैं जो फैक्टर पीएमएलएन में हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं, उन्हीं के फैसले जो हैं ठीक उनको ही आखिरी फैसला समझा जाता है। ठीक है। अच्छा सर पंजाब पर थोड़ा सा आ जाते हैं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म तो फिर पंजाब जाहिर है बड़ी मेहनत तो उसी पे हो रही है, सीट वहाँ से निकलेगी, तो क्या इसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आला के तौर पे आएंगे या मरियम एक बड़ी उभरती हुई उनकी बेटी हैं, जाहिर है सारी चीज़ फैमिली में ही रहती है हमें पता है पाकिस्तान की सियासत में, तो आप मरियम को देख रहे हैं पंजाब का वज़ीर आला या शहबाज शरीफ को देखेंगे, या फिर आप समझते हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के अलीम खान को ये सीट दे दी जाएगी? जी सर अगर तो पीएमएलएन जो है वो उसके पास मेजॉरिटी आती है पंजाब में, जो कि इस वक्त मुझे तो नज़र आ रहा है कि उनको मेजॉरिटी आती है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई किसी दीगर पार्टी को यकीनन सीएमशिप जो चीफ मिनिस्टरशिप नहीं दी जाएगी, रहेगी वो पीएमएलएन में ही। अब ये देखना है, ये भी एक जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि मियां नवाज शरीफ साहब
ने इतना कुछ देख लिया है, उनमें बहुत सारी एक स्टेट्समैनशिप भी है और वो पॉलिटिकल मेजोरिटी भी उनमें है। अब ये देखना है कि क्या वो फैमिली में ही रखते हैं चीफ मिनिस्टरशिप को, या फैमिली से बाहर भी वो देते हैं किसी को और भी मौका देते हैं। अभी ये इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं मुझसे अगर आप पूछें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फील्ड जो है वो वाइड ओपन है, होना किसी PMLN के ही MPA ने है चीफ मिनिस्टर पंजाब। लेकिन सर सिस्टम जो है ना, सिस्टम वो भी तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूँ कि सिस्टम जो है वो ये कहता है कि मैं आपको दो ताकत कैसे दे दूँ, पंजाब भी दे दूँ और मरकज भी दे दूँ। जी सर। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात जो है वो मैं समझ गया हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा, ये गुजारिश की आपको मैंने कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टरशिप है मुझे इस वक्त वो ओपन नज़र आ रही है, ओपन। तो मैंने आपको जो आपने सिस्टम की बात की, मैंने उसके हवाले से बात ही की थी कि मुझे इसमें मुझे कतन हैरानगी नहीं होगी कि अगर फैमिली से बाहर का भी कोई जो शख्सियत है वो इस ओहदे पे फैज हो जाए। क्या फैसल सवालियात इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान के दोबारा इंटीरियर मिनिस्टर होने वाले हैं सर? ये तो आप उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर बने गए जो उनसे आप सवाल कीजिएगा ये तो सवाल आपको उसका जवाब वही दे सकेंगे। पहले से कोई तय नहीं हुआ सर कि आप इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत, इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत जिसका अपना वोट बैंक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाए, चाहे वो PMLN के साथ खड़े हो जाए, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार, इतना भारी भरकम उम्मीदवार PMLN में आया और उसके बाद क्या ये तय नहीं हुआ पहले कि जनाब आपकी जीत भी होगी, इंशाल्लाह आपको फेडरल में फला मिनिस्ट्री मिलेगी, ये तो होना चाहिए था सर। नहीं डॉक्टर साहब, कतन ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही मैं ऐसी बात मैं करता हूँ जी। देखें, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में मैंने देख लिया जी, और जितना जितनी ख्वाहिश की थी उससे ज़्यादा ही अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया है, और मौला का करम बहुत बड़ा मेरे पे। इसलिए मैंने कतन ये किसी ऐसी किस किस्म की कोई बात नहीं की, ना ही मैं इस किस्म की कोई बार्गेनिंग में या डील मेकिंग में बिलीव करता हूँ जी। फैसल साहब, यहाँ आपको रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अरे सर, ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, चाहे दहशतगर्दी हो, लोगों की जाने जाए जाएं और रिग हो, साफ़ शफाफ ना हो, लोगों सियासी जमातों की पार्टिसिपेशन ना हो, आवाम की पार्टिसिपेशन ना हो, या आप चाहते हैं कि इलेक्शन जब भी हो, चाहे आगे हो जाए, जैसे सेनेट में आज फिर एक रेजोल्यूशन करारदाद जमा करा दी गई है कि 3 महीने के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि बहुत दहशतगर्दी हो रही है, मौसम बहुत सर्द है और ख़ुद सियासी जमातें तकसीम हैं, वो कह रही नहीं होना चाहिए, तो क्या ये बेहतर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो इन तमाम चीज़ों के साथ, या इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो और जब भी हो फेयर हो, साफ हो, पुरमन हो, तमाम सियासी जमातें शामिल हों और तमाम जो आवाम की भी शमूलियत शामिल हो? जी सर, मुख्तसर इस पर। इसमें डॉक्टर साहब, मैं बड़ा वाज तौर पे इलेक्शन को 8 फरवरी को ही होता हुआ मैं देख रहा हूँ, और ये जितने भी खदशात का इजहार किया जा रहा है ये इससे बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। आप माजी के इलेक्शन में अगर आप जाएँ देखें तो उस वक्त उससे ज़्यादा ख़राब हालात थे, लेकिन इलेक्शन हो गए थे। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि शफाफ, ट्रांसपेरेंट और तमाम जमातों का उसमें शमूलियत हो या ना हो, तो मेरा उसका जवाब यह है कि जितने ट्रांसपेरेंट, जितने शफाफ, जितने क्लियर ओपन इलेक्शन पिछले हमारे 4-5-6 इलेक्शन हुए हैं, उतने ही ये आने वाले इलेक्शन जो फरवरी के हैं, 8 फरवरी के, उतने ही वो मैं उनको उसी तरह देख रहा हूँ। अगर पिछले 4-5-6-7 इलेक्शनों के साथ वो पार्लियामेंट चली हैं, हुकूमतें चली हैं, तो ला माला इस इलेक्शन के साथ भी होने के साथ ही
ये पार्लियामेंट भी, वो असम्बली भी चलेगी और हुकूमतें भी चलेंगी उस तरीके से। क्या वो हुकूमत उसी तरह चलेगी कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा इस इलेक्शन के बाद, आप क्या देख रहे हैं? और उसी तरह जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मौशी बहरान बढ़ेगा, और मौशी बहरान बढ़ेगा तो फिर इसी तरह अवाम पर गुर्बत, बेरोज़गारी और आपके जो महंगाई है उसका तूफान आएगा, ये देख रहे हैं सर आप? नहीं, मैं काफ़ी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ इलेक्शन के बाद, क्योंकि तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं मासवा एक जमात के, और वो जमात तो सिर्फ जब तक उनके अपने हक में हर चीज़ ना हो तो वो तो समझते हैं कि हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है। वो उनके अपने हक में हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे अदलिया से हो या किसी और फोरम से हो। मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मुझे एक बड़ा एक क्लियर आगे चलकर मुझे एक काफ़ी हद तक मुझे माशी इस्तेकाम मुझे नज़र आ रहा है। और उसमें आप ये भी देखिए कि हम किसी को पसंद हो या पसंद ना हो, इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। हम इसे आंखें बंद अगर करेंगे तो हम खुद ही अपने आप को ही हम आई थिंक अंधेरे में रख रहे होंगे। इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक बड़ा भरपूर रोल है, वो एक मुहब्बे वतन एक कुव्वत है, और उनका पाकिस्तान की सालमियत में, पाकिस्तान की इस्तेकाम में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माशी तरक्की में उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी रहा है, अब भी है, और उनका आइंदा किरदार भी रहेगा, और ये किरदार होना भी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही हम अपने आप को आगे सही दुरुस्त रास्ते पर ले जाकर हम अपनी प्रोग्रेस की तरफ, हम एक सही इस्तेकाम और स्टेबिलिटी तरफ हम जा सकते हैं। ठीक, तो मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो अगली हुकूमत है वो पाकिस्तान में बहुत हद तक दोबारा रिस्टोर करेगी, कॉन्फिडेंस को भी, एतमाद को भी, इन्वेस्टर्स का भी होगा, हमारे जो लोकल हैं, हमारे जो फॉरेन हैं उनका भी होगा, और हमारे जो इदारे हैं उनमें भी काफ़ी इस्तेकाम पैदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि इंतखाबात जब 2018 का लड़ा गया तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, उस वक्त ये सवाल उठा कि ये बैलेंस इंतखाबा नहीं है, ख़ासतौर पर पंजाब में, और पीटीआई फुली सपोर्ट है उसको, और इंतज़ामिया की हुकूमत की जैसा देखा गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जो है उसको सपोर्ट नहीं है, मियाँ साहब नहीं है, बैलेंस इंतखाब नहीं है। अब 2024 फरवरी 8 के इलेक्शन के बारे में ये कहा जा रहा है बल्ले के निशान के बग़ैर पंजाब में जो इलेक्शन होगा, केपीके को तो छोड़िए, पंजाब में जो इलेक्शन होगा वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि मियां साहब तो इन हैं, उनकी जमात इन है, और इल्ज़ाम भी लग रहा है कि इंतज़ामिया, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और जो दूसरी बड़ी ताकत है उनको भी आउट कर दिया गया है, और उनकी तंजीम को भी, बल्ले के निशान के ऊपर भी मामलात ख़राब हैं। क्या कहेंगे सर, क्या ये वाकई बैलेंस इंतखाब होगा? डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैंने आपको पहले एक अपना ये इसका जवाब दिया था कि जिस तरह माजी के हमारे तकरीबन 7-8 इंतखाब हुए, ये इलेक्शन उसी किस्म का होगा। 2013 के इलेक्शन को आप देख लीजिए, उस वक्त पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी बिकॉज उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उसके बगैर इलेक्शन हुए। 2018 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनके एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके बगैर ये उसकी क्यादत जेल में थी, उसके बगैर इलेक्शन हुए। तो ये देखें, ये तो पीटीआई की जो फिलॉसफी है वो तो बड़ी वाजे है, अब सारी दुनिया को समझ आ जानी चाहिए, आप बल्कि आ भी चुकी है, कि वो फैसले अगर उनके हक में हों और उनकी सहूलतकारी होती रहे, जिस तरह माजी में होती, जिस तरह 18 में वो हुई या उसे 18 से पहले भी धरनों में हुई, तो उनके लिए वो इलेक्शन में काबिल कबूल हैं, उनके लिए वो सिस्टम में काबिल कबूल है, और अगर वो उनके हक में एक फैसले ना आए या उनकी सहूलतकारी उस तरीके से ना हो, तो फिर तमाम का तमाम जो ये सिस्टम है उनके बकौल वो एक फेक सिस्टम है, एक उसमें फ्रॉड उनको नज़र आता है,
और उसमें ये सारी कुछ जालीपन उनको नजर आता है। अच्छा सर, बांग्लादेश में यहाँ पर मैं यहाँ पर रोकूंगा। बांग्लादेश का जो इलेक्शन हुआ है सर, वो इलेक्शन जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मान रही है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नहीं मान रहे, अमेरिका नहीं मान रहा है। तो अगर पाकिस्तान में भी आप पीटीआई को बल्ले का निशान, देखिए 9 मई के जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा, ये सवाल उठ रहा है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लेकिन बाकी जो पीटीआई एग्जिस्ट करती है उसको बल्ले का निशान देकर सियासी तौर पर पाकिस्तान के आईन के तहत इलेक्शन लड़ने दिया जाए, ताकि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बने। ऐसा ना हो कि 2024 का इलेक्शन इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट ना किया जाए और ये कहा जाए कि ये फेक इलेक्शन है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। सर, इस पे आपकी राय। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश के हवाले से मैं आपको अर्ज करूँगा, आप जब उनका पिछला इलेक्शन हुआ था और अवामी लीग ने जीता था, उस वक्त भी आप उनकी सूरत हाल देखिए, वो इस इलेक्शन से मुख्तलिफ नहीं थी। उस वक्त भी अपोजिशन जेलों में बंद थी, उनको अलाउ नहीं किया गया था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, और वो एक बहुत एक तवील एक दास्तान है बांग्लादेश की। उस वक्त भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको उस पर अपने तहफ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन वो हुकूमत चल रही। फिर अब अगला इलेक्शन आ गया, यही सूरत हाल मैं आपको याद करूँ यहाँ भी पाकिस्तान में भी ऐसी है। अब आपने 9 मई की बात की है, इस हवाले से मुझे एक बात अर्ज़ करने दीजिए कि ये बताइए, हमारे मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी के साथ और हमारे इन इदारों के साथ जो कि हमारे जिन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दे के रखी हुई हैं, पाकिस्तान को आज एक स्टेबल एक मुल्क बनाने में उनका सबसे बड़ा अहम किरदार है, उन पे जिन पे ये इल्ज़ाम है या जो जिन पे खुलम खुले शवाहद मौजूद हैं कि उसमें मुलविस थे, उनको अगर आप हिस्सा लेने दे रहे हैं इलेक्शनों में, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ, मुझसे एक ही चीज़ का हिसाब लिया जाता है कि आपने अपने बिजली का बिल दिया, आपने अपने गैस का बिल दिया, आप फलाने रेस्ट हाउस में रहे, आपने उस रेस्ट हाउस का 2-4-10 हज़ार रुपया आपने बकाया दिया, आपने हमसे बकाया जात वो पूछे जाते हैं हम कैंडिडेटों से, जहाँ हम वो बकाया जात के लिए हम आंसरेबल हैं, हम जवाब दें हैं, तो क्या ये लोग जिन्होंने हमारे मुल्क की इन हसास तनसीबात पे हमले किए हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी पे हमले किए हैं, क्या उनको हम स्कॉट फ्री छोड़ दें? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो ये एक बड़ी क्लियर पूछता हूँ कि एक डिस्क्वालिफिकेशन एक कैंडिडेट की होती है, बिजली के बिल अदा नहीं किया उसने, गैस के बिल अदा नहीं किया उसने, या कोई डिफॉल्टर है, ये इतना बड़ा जो इकदाम किसी ने किया है कि जी हमारी खुद मुख्तारी के साथ वो खेले हैं, जाके हमलावर हुए उन हमारे हम उन इदारों पे जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, तो क्या अगर उनको भी आपने इजाज़त दे देनी है इलेक्शन लड़ने की, तो फिर मैं आपको अर्ज़ करूँगा जिन दीगर बाकियों का कसूर क्या है, जो दहशतगर्दी में जो लोग मुलव्वस हैं उनको फिर इजाज़त दे दें आप, वो भी आके इलेक्शन में हमारे हिस्सा लेने शुरू कर दें। कहीं ना कहीं आपने लाइन ड्रॉ करनी है कि नहीं करनी लाइन ड्रॉ? अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर माजरत से डॉक्टर साहब, फिर हम एक इतनी बड़ी दलदल में फंसने जा रहे हैं जिसका फिर कोई एंड मुझे नज़र नहीं आता। अरे सर, यहाँ पे एक सवाल मैं करूँ, और वो ये है कि जाहिर है आपकी आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और आप उनका बड़ा रिगार्ड्स करते हैं, जैसे भी आपने कहा भी था। आने वाले वक्त में एक इलेक्शन हो रहा है, सदारती इलेक्शन, सदर का इलेक्शन, तो सदर के इलेक्शन में दो उम्मीदवार इस वक्त सामने हैं सर, जो आ रहा है, नाम भी आ रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। एक है आसिफ अली जरदारी, वो सदर बनना चाहते हैं, और एक है मौलाना फजल रहमान, वो भी सदर बनना चाहते हैं। तो फैसल सवालियात का वोट किस तरफ जाएगा सर? देखिए, यहाँ पे जाती एहतराम अपनी जगह पे होता है डॉक्टर साहब, लेकिन जब आप एक पार्टी का हिस्सा होते हैं तो फिर आप उसकी आप पाबंदी भी आपको करनी होती है उस हवाले से। तो जहाँ मेरी पार्टी खड़ी होगी मैं उसी के साथ खड़ा होगा उस इलेक्शन में। ये बड़ा क्लियर आपने जवाब दे दिया है कि सर जहाँ मेरी पार्टी खड़ी होगी वहाँ मैं खड़ा होऊंगा। हम आपके लिए दुआगो हैं सर, आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए, आपकी बड़ी अच्छी और उस इलाके में आपका
बड़ा असर रसूख है। माशाल्लाह आप हमेशा जीतते रहें, इस दफ़ा PMLN के साथ हैं। हुकूमत बनती है तो यकीनन बहुत से लोग चाहेंगे, मुझे और भी क्वेश्चन करना था क्योंकि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से थे, दहशतगर्दी भी हो रही है, किसी और स्टेज पे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। ये थे साबिक वफाकी वज़ीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मखदूम फैसल सौलियात साहब, जिनसे हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त खत्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।